Cenab-ı İbrahim Mekan ki aşk-ı Resul और अहले बैत की मोहब्बत और उम्मत की मोहब्बत की अच्छी होती है अगर मेरे अल्फाज में कोई कमी बेशी रह जो मैं कहां बैठे हैं तो मैं माफी चाहूंगा वो इसको दुरुस्त कर सकते हैं अल्लाह ताला ने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब में गवाही देता हूं ये बंदा जो कलमा कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह सही कह रहा है मैं ये भी कहता हूँ कि जो कह रहा हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह ये भी गवाही देता हूँ सही कह रहा हूँ लेकिन ये मुकम्मल उस वक्त तक नहीं है जब ये बंदा आपसे मोहब्बत नहीं बल्कि मुअद्दत जब तक नहीं करेगा जब कोई मुअद्दत करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका मकाम अल्लाह ताला ने बताया है कि उस वक्त तक उसका कलमा सही नहीं है जब तक वो आपसे मुअद्दत नहीं करता तो हम समझते हैं कि बाकी दीन और दुनिया की बातें सब पीछे रह जाती हैं हम समझते हैं कि मैं मुदस्सर साहब की यहाँ अदा कर रही हूँ मदद का और इसी सिलसिले में जो हम उनते जो अहले बैत उनते रसूल का जो मकाम है कि उसमें इसी तनाजे में हज़रत अवैस कबीर साहब का वाक़ है कि बाकी साहबा कराम को भी अफसोस हुआ तकलीफ हुई लेकिन वो मोहब्बत थी जो हज़रत अवैस कबीर साहब ने किया वो मोहब्बत थी और इसका अजय बयान दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से बजाय रुख्सत होने लगे तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हज़रत अली रज़ी को बुलाया और कहा कि आपने कर जाना है और मेरा ये कुर्ता अद्यतन हज़रत अवैस कबीर को पेश करना है और उनसे कहना है कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें ये होता है एक मोहब्बती और मोहब्बत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और यही मोहब्बत और नशम के मलक मदसर साहब की है जो कि इन्होंने आज के प्रोग्राम तरतीब दिया और 1400 साल बाद इलामा इकबाल ने दिया भी जो इब्राहिम साहब ने पढ़ा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या रो कलम के तो फ़ख्र पाकिस्तान है ना तूने कुरान से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुअद्दद सहाबी से उम्मत रसूल का मुकाम बयान कर दिया कि जो सही मोहम्मद कर रहे हैं उनके रसूल उसका क्या मुकाम है इसी तरह जैसे अपना कैप्टन साहब ने हज़रत ईसा अलैहि सलाम का नाम लिया हज़रत ईसा अलैहि सलाम बड़े नबी हैं जिंदा हैं चौथे आसमान के तो सूरह मायदा में अल्लामा साहब काशी साहब बैठे हैं अल्लाह ने से कहा कि मैं आपको इज़्ज़त देता हूँ यानी इजाज़त देता हूँ आप सामने दानिशा लोग बैठे हुए हैं आप मिट्टी से मूर्ति बनाए अल्लाह ने कहा मैंने इजाज़त दी फिर उन्होंने कहा कि इसको परिंदे की शक्ल दो मैं इजाज़त देता हूँ फिर उन्होंने कहा इसको दम मैं आपको इजाज़त देता हूँ उसके दम पर उन्होंने कहा इज़्ज़त इसी तरह उन्होंने अल्लाह ने फिर इजाज़त दी कि दम थोड़ा सी उड़ जाएगी उड़ की अल्लाह ने कहा कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ आप कोड़ों को ठीक कर दें हर मुकाम पे अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहि सलाम को इज़्ज़त दिया इजाज़त दी उनका ऐसा मैं आपको ये भी इजाज़त देता हूँ इज़्ज़त देता हूँ कि आप मुर्दों को भी जिंदा करें ये वो हमारे बड़े नबी हज़रत ईसा अलैहि सलाम का एक मुकाम है लेकिन मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम है वो उन जैसे नबियों जैसे हैं नाम जैसे सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको इज़्ज़त दे दिया इजाज़त दे दी चाहे तुम तारों को नीचे बुलाए चाहे चांद को दो टुकड़े करे चाहे सूरज को पलटा दे तेरी मर्जी चाहे तुम अंग्रेजों से तस्बीह कराए हम कराए ये तेरी मर्जी इज्जत तुझे दे दिया चाहे तुम को और जो पहाड़ से कलमा पढ़ाए ये तेरी मर्जी मैंने इस और इजाज़त दे दी ये हमारे नबी का मुकाम है चाहे तुम किसी को गले लगाए चाहे किसी को कंधों पर बैठाए चाहे किसी को कंधों से बुलंद करे ये तेरी मर्जी है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी शान है और मैं संतों में आज की जो इस महफिल की जान है जनाब मौलाना नसीर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो और सब दोस्तों को और जमाने तुसी जनाब तौफीक साहब का मैं मशहूर हूँ कि आप लोग इस महफिल में तशरीफ लाए और मैं खासतौर पर जब आप लोगों की जो भी बातें थी दोस्त उससे हमें बड़ा देखिए अगर ये आज इसकी महफत से हम सीख के अपनी ज़िंदगी को तब्दील ना करें इससे आगे नहीं को सीखे ना भी सकता हूँ कि फिर हमें इस चीज़ों का कोई फायदा नहीं बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच